माँ सिखाती है कि वो जैसे भी रखे उसे खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, शायद इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस की सजा पर अभी भी सोच विचार जारी है। तो मैंने कुछ यूं लिखा था कि विमेंस डे आ रहा है और दिन भर लिखा जाएगा महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के संदर्भ में, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर लिखा जाएगा महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के संदर्भ में, और सूरज डूबते ही कहेंगे रहो मर्यादा में या फिर मार डालेंगे गर्भ में। अभी दो तीन लोगों ने सुनाया कि बेटी पैदा होती है बड़ी खुशी होती है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, बहुत नाजों से पाला जाता है। तो कभी हम बेटियों को फूल कहते हैं, कभी चिड़िया, कभी तितली तो कभी चांद। पर क्या सोचा है कि ये सारी ही चीजें तब ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती जब उन्हें वैसे रहने दिया जाए जैसे वो हैं, है ना? जैसे फूल रंग बिरंगे, तितली चंचल और चिड़िया खुले आसमान में बेखौफ उड़ती हुई, और चांद अकेले चमकता अंधेरी रातों में। मुझे लगता है बेटियां भी लगती हैं और ज्यादा खूबसूरत जब वो मदमस्त हों, अलहड़ हों और करती हों आत्मविश्वास से अपना नाम रोशन। लेकिन ये दुनिया मसल डालती है उन फूलों को तलवों तले, ये दुनिया मसल डालती है फूलों को तलवों तले, और अगर तितली सी चंचलता दिखाएं तो उंगलियों के बीच मसल दी जाती हैं, और अगर उड़ती हैं बेखौफ खुले आसमान में तो काट दिए जाते हैं पंख और लगा दिए जाते हैं हजारों दाग चांद की ही तरह रात को निकलने वाली बेटियों के दामन पर। उसके बाद क्या करते हैं फिर, कुछ अगर हो जाता है बाय चांस, अनहोनी हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि बेटी हो जरा कम मुस्कुरा कर चलो, बहू हो नजरों को जरा झुका कर चलो, अब तुम माँ बन गई हो, ये तो मैंने भी सुना है, अब तुम माँ बन गई हो ख्वाहिशों को जरा दबा कर चलो। पर मुझे लगता है कि जिस दिन उसे माँ बेटी बहू ने समझकर केवल इंसान समझा जाएगा, ठीक उस दिन हर स्त्री के लिए जमाना बदल जाएगा। अभी जमाना बदल रहा है, हर रोज हम देखते हैं कि जमाना कहते हैं बदल रहा है, 21वीं सदी में भी हम कहते हैं कि बदल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा सालों से चला आ रहा है। और मैं इस बात से हैरा नहीं हूँ, मैं हैरा नहीं हूँ कि जिसके पैदा होने पर ही बवाल था आज उसके कपड़ों पर सवाल है, जिसे खेलने के लिए भी बस गुड़िया ही मिलती है क्या तकलीफ समझेगा जमाना कि कैसे उसकी सारी जिंदगी केवल शादी शब्द के इर्द गिर्द करती। पराया धन क्या करोगे पढ़कर, घर का काम काज सीख लो यही काम आएगा आगे चलकर, और मुस्कुराकर जरा धीरे धीरे चलो, लड़की को ज्यादा मुस्कुराना शोभा नहीं देता, है ना? और बाराती कह रहे थे कि कितना इज्जतदार बाप है, शादी में किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। वही बाप जो कहता था कि बेटा ये शौक काम नहीं आएंगे, शायरी लिखना गाना, मैंने भी सुना है, ये शौक काम नहीं आएंगे ससुराल में गाना शायरियां लिखना, अरे पति के दिल तक का रास्ता होता है उसका मनपसंद खाना। और माँ सिखाती है कि वो जैसे भी रखे उसे खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, शायद इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस की सजा पर अभी भी सोच विचार जारी है। माँ बहन बेटी बहू बनकर सारी जिंदगी न जाने कितने सपोर्टिंग रोल निभाती है, हर बदलते किरदार के साथ उसकी पहचान बदल जाती है, और जिससे वजूद है इस पूरी सृष्टि का, अफसोस की बात है कि जिससे वजूद है इस पूरी सृष्टि का, ये पूरी दुनिया मिलकर उसी स्त्री के वजूद पर सवाल उठाती है। अब ये चीजें जो मैंने बताई ना, पैदा होने से शादी तक, ये सब जिम्मेदारियां मैंने निभाई, आप लोग भी निभाएंगी, और उसके बाद भी क्या होता है, ये जब सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी जब वो कुछ देर अपने लिए जीने को बाहर निकलना चाहती है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार या फिर हो कोई कलाकार, वो घर में रहने, रोड पर चलने और साथ काम करने वाले पुरुष की आंखों में अपने लिए केवल इज्जत देखना चाहती, पर हर मुमकिन कोशिश करने पर भी मानसिकता नहीं बदल पाती है। हर रोज नकारती है पीछा करती निगाहों को, जवाब देती है कपड़ों पर उठते सवालों का, पर एक दिन या तो बदतमीज कहलाती है या फिर बेबस होकर घर में बैठ जाती है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है। सामना करती है हवस, ईर्ष्या, अहंकार और तिरस्कार का हर रोज, पर अफसोस इज्जत पाने की कोशिश में वो इज्जत ही दांव पर लगाती है। अब क्या करेगी, बाहर सन्नाटा बेशुमार रहता है क्योंकि लबों से कुछ नहीं बोल पाती, बाहर सन्नाटा बेशुमार रहता है, अंदर शोर बरकरार रहता है, आंखें बेबसी की दास्तां कहती है
और आत्मा को इन्हीं सामाजिक बेड़ियों का मलाल रहता है। बेगुनाह होती है हर तरफ से, फिर भी उसकी ओर उठती हर निगाह में सवाल रहता है। और आप सभी के लिए है कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली हर स्त्री का यही हाल रहता है। पर ना अब कुछ बदलना होगा। कैसे? कि अब तुम्हें ठान लेना होगा कि और सहना नहीं है, सजता है आत्मविश्वास भी खूब तुम पर, ये सजावट ही तुम्हारा गहना नहीं है। और रावण को तिनके से भस्म कर देने की क्षमता सीता में आज भी कहीं है। और चीरहरण से बचने को याचना करे गोविंद से, अब द्रौपदी के हित में नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 21वीं सदी है, सब बदलाव की बातें कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल रहा है, बदल रही हैं लड़कियां भी। लेकिन तुम ये याद रखना कि लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता, ठीक है? उन्हें डर है, उन्हें पता है कि जो एक क्रांति तुम लाना चाहती हो ये एक आग है। पर तुम हर कदम पे याद रखना कि आखिरी नहीं है ये अग्नि परीक्षा, इसके बाद एक और वनवास है। और कुछ लास्ट लाइनें हैं कि जो धधकती थी उसके दिल में अब उसकी आंखों में नजर आने लगी, जो धधकती थी उसके दिल में अब उसकी आंखों में नजर आने लगी, चूल्हा जलाने वाली तुम्हारे अहंकार का जंगल जलाने लगी, दिन रात आंखों से तकियों पर बहने वाली नदी अब सुबह लबों किनारे मुस्कुराने लगी, और शारीरिक प्यास बुझाने लायक ही समझा था जिसे तुमने, वो सुनामी बनकर तुम्हारी खोखली मर्यादाएं बहाने लगी, सालों से निशब्द सब कुछ सहने वाली संस्कारी नारी जिस दिन अपने लिए जीने लगी, बेहया नजर आने लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।